Dear students, this is S.K. Sugla. I am going to talk about common mistakes today. As you all know that I have already made 5 videos on common mistakes. This is the 6th video that I am going to make today. So I hope you find this topic or you find this class very interesting. Let's start our class. I have already written the first thing that I am going to discuss today. This is usually what I say, how the man looks like. अगर हमें किसी चीज के बारे में किसी और का ओपिनियन लेना होगा कि कोई भी चीज कैसा दिखता है तो हम लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं हाउ द मैन लुक्स लाइक, या अगर मैं सेंटेंस में ऐसे लिखूं कि हाउ द सिचुएशन लुक्स लाइक, या मैं बोलूं हाउ दिस हाउस लुक्स लाइक इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. तो हाउ से स्टार्ट होने वाला ये सारा सेंटेंस जो है, ऑल दीज सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. यहां पे हाउ वर्ड का हम प्रयोग नहीं करेंगे. द करेक्ट थिंग शुड बी वी शुड यूज व्हाट इन प्लेस ऑफ हाउ, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट द मैन लुक्स लाइक. What the man looks like. This is correct. How की जगह what का प्रयोग करेंगे तब यह सही होगा. हालांकि how जो है हमें ज्यादा appropriate लगता है, but that is not correct. We should start our sentence with what rather than how. You can use what in other situations also, other sentences also. What the situation looks like, या what the house looks like. So, how का प्रयोग की जगह हम what का प्रयोग करेंगे. I hope you have got it. Let's move to the second one. दूसरे expression की तरफ हम लोग बढ़ते हैं या दूसरे sentence की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. जरा इसको देखिए, ये एक exclamatory sentence है. इसमें भी आमतौर पे हम mistake करते हैं. जैसे मैं एक exclamatory sentence लिख रहा हूं, how I am lucky. This is an exclamatory sentence. How I am lucky. How I am pleased to meet you. तो इन सारे sentences में, वैसे सारे exclamatory sentences जो how से start होते हैं, इनके इमीडिएटली बाद हमें एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा या एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा. जनरल स्ट्रक्चर ऐसा है, हाउ के बाद हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा के तब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट शुड बी फॉलोड हियर. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें तो हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे. जैसे इस सेंटेंस को हम ऐसे कहेंगे, हाउ आई एम लकी की जगह हम लोग कहेंगे हाउ लकी आई एम. दिस इज एप्रोप्रिएट, हाउ लकी आई एम, दिस इज करेक्ट. या दूसरे सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, हाउ प्लीज्ड आई एम टू मीट यू, लाइक दैट. तो हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह बात ध्यान रखना है कि हाउ के इमीडिएटली बाद ही हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करेंगे. आई होप यू हैव गॉट दिस वन ऑल्सो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं. मैं एक साथ बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखकर एक साथ नहीं एक्सप्लेन करता, वन बाय वन एक्सप्रेशन लिखता हूं ताकि आप इसको बढ़िया से समझ पाए. इस चीज को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, आई डिसाइडेड टू स्टे इनडोर. आई डिसाइडेड टू स्टे इनडोर, सेंटेंस साउंड्स एब्सोल्यूटली करेक्ट. लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यहां इनडोर जो है, दिस इज एडजेक्टिव, और यहां पे इस इंफिनिटिव के बाद हमें एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा. एडवर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसलिए आई डिसाइडेड टू स्टे इनडोर गलत है. द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई decided to stay indoors. Indoors is adverb here. This is adjective and this is adverb.
और यहां पे इस सिचुएशन में इन्फिनिटिव के बाद एडवर्ब इज रिक्वायर्ड, सो इंडोर्स विल बी करेक्ट हियर. सो rather than saying I decided to stay indoors, we should say I decided to stay indoors. I hope you've got it. Let's move to the next one. अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं. जरा इस सेंटेंस को देखिए. दिस वर्ड वॉज इन्वेंटेड. मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं. दिस वर्ड वॉज इन्वेंटेड. मैं बस इतना ही लिख रहा हूं. इसमें क्या मिस्टेक है? अगर हम वर्ड के लिए इन्वेंटेड यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज को खोजा जाता है तब वहां पे हम इन्वेंटेड यूज करते हैं, या कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हमने खोज लिया तो डिस्कवर यूज करते हैं. लेकिन जब नए वर्ड को खोजा जाता है तो वहां इन्वेंटेड की जगह हम क्वाइन यूज करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी दिस वर्ड वॉज क्वाइंड. दिस इज करेक्ट. I hope you have got it. Let's move to the next expression. इसको देखिए. Computer jargons. Computer jargons. तो जार्गन्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले जो टर्म्स होते हैं उनको जार्गन कहते हैं, या शब्दावली उसको कहेंगे. लेकिन जार्गन्स जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कंप्यूटर जार्गन्स की जगह हम सिंपली कहेंगे कंप्यूटर जार्गन. दिस इज करेक्ट. सो ये नाउन से रिलेटेड मिस्टेक है. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसको देखिए. यहां पे जो मैं एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं, यहां प्रीपोजिशंस रिलेटेड मिस्टेक्स हैं. मैंने यहां पे एक्सप्रेशन लिखा है अ स्टार इन द होराइजन. इट साउंड्स करेक्ट. या कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, इन कमिटी. इन कैंपस. मैं सिर्फ यहां पे इस पूरे सेंटेंस को नहीं बल्कि शॉर्ट में इसको लिख रहा हूं. इन हर फेस. तो ये ऐसे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आमतौर पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक होता है. आप देख रहे हैं कि हर जगह प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है. अगर मैं लिखूं इन आयरलैंड, इन आयरलैंड, तो ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आप ध्यान रखिए, इन सारे एक्सप्रेशंस के पहले, होराइजन के पहले, कमिटी के पहले, कैंपस के पहले, फेस के पहले, आइलैंड के पहले, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं किया जाता है. ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर इनकरेक्ट. सब में हम ऑन लगा के करेक्ट करेंगे. तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा अ स्टार ऑन द होराइजन. ही सैट इन द कमिटी की जगह ही सैट ऑन द कमिटी. दे केम इन आवर कैंपस. दे केम ऑन आवर कैंपस. She always wears smile in her face. नहीं, on her face. In islands के जगह, island के जगह on island use करेंगे. तो ये कुछ ऐसे common expressions हैं जिनमें preposition in जो है ज्यादा appropriate लगता है, अच्छा लगता है, correct लगता है. लेकिन ये correct नहीं है. इन सारे expressions के पहले हम on का प्रयोग हमेशा करेंगे. Let's move to the next one. इसको देखिए. सी वॉन्ट्स टू गो. सी वॉन्ट्स टू गो ऑन होलीडेज.
she wants to go on holidays. या मैं लिख दूं, she wants to go on vacations. तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर बोलेगा कोई तो सुनने में सही लगेगा, पर दोनों सेंटेंसेस गलत हैं. आपको ध्यान में रखना है, holidays and vacations ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू गो ऑन होलीडे. सी वॉन्ट्स टू गो ऑन वैकेशन. तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रखेंगे. दैट इज द मिस्टेक इट हैज. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. इसको देखिए, अगर मैं कहूं ह्यूमिड वॉल, तो ह्यूमिड एक ऐसा वर्ड है जो एयर या एटमॉस्फेयर के लिए यूज किया जाता है. अगर एयर या एटमॉस्फेयर में नमी हो, वाटर ड्रॉपलेट्स हो, तो हम ह्यूमिड का वहां पे प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर वॉल मॉइस्ट हो, अगर सूखा ना हो ना ही भीगा हो, दोनों के बीच के स्टेज का हो, तो हम ह्यूमिड वॉल की जगह डैम्प वॉल का इस्तेमाल करेंगे. डैम्प वॉल, दिस इज करेक्ट. सो दिस इज अ स्मॉल एक्सप्रेशन दैट यू शुड कीप इन बैक ऑफ योर माइंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसको देखिए, आई टेक 4 classes. आई टेक 4 classes इन ए डे. आई टेक 4 classes इन ए डे. सेंटेंस साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सेंटेंस जो है ये सही लग रहा है, लेकिन यहां पे रेशियो की बात की जा रही है. तो जहां भी रेशियो की बात की जाए तो वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे. यहां पे प्रीपोजिशन इन जो है वो इन अप्रोप्रिएट है. करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा, आई टेक फोर क्लासेस अ डे. सो 4 classes इन अ डे, ये कहने से अच्छा है कि आप कहिए 4 classes अ डे. यहां पे जहां भी रेशियो की बात करनी होती है वहां पे ए जो है खुद एक प्रीपोजिशन की तरह, अ वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन की तरह काम करता है. तो अलग से प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. इसको देखिए, इंस्ट्रक्शंस टू कुक इटालियन डिश. कुक द इटालियन डिश, या दिस मैं लिख दूं, द इंस्ट्रक्शन टू कुक दिस इटालियन डिश. इंस्ट्रक्शंस टू कुक दिस इटालियन डिश. इफ समबडी स्पीक्स दिस सेंटेंस और राइट्स दिस सेंटेंस एनीवेयर, पीपल विल से दैट इज फाइन. सो व्हाट इज द मिस्टेक हियर. तो जब भी हम किसी भी चीज के प्रोसेस की बात करते हैं कि किसी भी चीज को किस प्रकार बनाया जाता है या किस प्रकार किया जाता है, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करते हैं. वहां पे अगर कहीं भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो वहां हाउ टू का प्रयोग करके हम उसको बनाते हैं. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. इट शुड गो लाइक दिस, इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कुक दिस इटालियन डिश. दिस इज करेक्ट. आई होप यू हैव गॉट दिस. नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं. इसको देखिए, several people injured
several people injured in the accident. Several people injured in the accident. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्लियरली बता देंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सेवरल पीपल है. तो सेंटेंस में कभी कभी ये गलती भी की जाती है कि हम सेंटेंस में सही वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं. आपको पता है वॉइस दो तरह का होता है. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन करता है तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस डज नॉट डू द एक्शन, इंस्टीड द सब्जेक्ट सफर्स, देयर वी शुड यूज पैसिव वॉइस. जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन ना करे बल्कि सब्जेक्ट के साथ हो कुछ, तो वहां पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है. तो यहां आप ध्यान से देखेंगे सेवरल पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट. इस सेंटेंस में लोग यहां पे जो हैं, बहुत सारे ढेर सारे लोग, ये एक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके साथ ही कुछ हो रहा है, ये इनको इंजरी हो रही है. लेकिन इसके लिए जो सेंटेंस यूज किया गया है एक्टिव का यूज किया गया, दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट. दिस इज द राइट सेंटेंस टू स्पीक. तो जहां भी सेंटेंस में आप प्रयोग करें, सेंटेंस को प्रयोग करें, तो वहां इंश्योर करें कि अगर एक्शन किया जा रहा है, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो एक्टिव वॉइस, और एक्शन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ यू फाइंड इट सो, यू शुड गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.